अगर आप आईएलएस के कैंडिडेट हो, आईएलएस की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना है, वो किसी भी चैनल पर आपको किसी भी और सोर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलना। उसको लेने के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, 1000 रुपये देना पड़ेगा, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसी मटेरियल को बाय करना है या फिर इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है। और अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आईएलएस प्लाजा, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा जिन्होंने कल हमारी वीडियो देखी थी, कि हमने जो मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाली सीरीज है वो शुरू की है। कल भी मैंने राइटिंग के 2 PDF प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें मैंने राइटिंग की स्ट्रक्चर बताई थी। एक ओपिनियन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होती है कि किस में ओपिनियन देना है और किस में नहीं देना, वो वाला PDF हमने कल प्रोवाइड करवाया था। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों से, और कई कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पर अपनी जो स्टोरी डाली। तो अगर आपको भी आज वाला मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन जरूर देना, इंस्टाग्राम पर शेयर करना, जहाँ तक आप कर सकते हैं जरूर करना। तो आज कुछ बच्चे मतलब कि कल मुझसे मांग रहे थे, सर राइटिंग के टेम्पलेट भी प्रोवाइड करवा दो। तो मैं आज भी आपको राइटिंग के टेम्पलेट प्रोवाइड करवाऊंगा। और जहाँ पर एक बात और है, Task 1 और Task 2 दोनों के टेम्पलेट मिलेंगे, और जो पहले प्रोवाइड करवाए थे उससे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मैंने खुद देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो इसीलिए मैं आज आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो बस एक विनती है, एक मतलब की रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगा ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे भी हम ऐसे ही आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहें। और जो बोलते हैं उनको बोलते रहने दीजिए, हम उनको कुछ नहीं कहने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको जो PDF कैसा है, मतलब कि उसके बाद हम बताएंगे कि आपको कैसे लेना है। तो ये है वो हमारा PDF। इसमें सबसे पहले इन्होंने Task 1 का बताया है, पहले उनकी टाइप बताई है, उसके बाद इन्होंने फॉर्मेट बता दिया। मतलब कि आपको पता ही हुआ कि ज़्यादातर जो फॉर्मेट है Task 1 का वो सेम ही होता है, यही यूज हो जाता है। दी गिवन पाई चार्ट, दी गिवन बार चार्ट, इलस्ट्रेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट, या फिर आप इसको पैसे भी में लिख सकते हो। वो सबसे अच्छा वे होता है कि अगर आप इंट्रोडक्शन को पैसे में लिखें। अगर आपको वो नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको वो भी बता दी जाएगी। मतलब कि सारी टाइप की इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आपके लिए बैठे हैं यार, जो आपको चाहिए वही आपको प्रोवाइड करवा देंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो नीचे आपको सिनोनिम भी बता दिए, और ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि परसेंटेज वाला जो आता है उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने बता दिया, आगे आपको कुछ सिनोनिम बताए हैं। आगे चलते हैं, आगे आपका Task 2। ये मुझे ये जो PDF है जो मैंने पहले टेम्पलेट प्रोवाइड करवाए हैं उसमें से, उससे मतलब कि थोड़ा सा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। उनका हम थैंक यू सो मच करते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जिन्होंने इस PDF को जनरेट किया है। मुझे नाम तो नहीं पता, बट फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और आपको ये फॉर्म मतलब कि ईजिली नहीं मिल सकता था, क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, आपको मतलब कि काफ़ी कुछ ढूंढना पड़ता है। बट अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पर जहाँ पर अगर कोई और चैनल होता वो इसी को बेच भी देता, फ्री में लेता किसी से और आगे आपको 100 रुपये में, 200 रुपये में बेचता, ये मुझे पक्का पता है। ये आगे आपका काउजन एंड सोल्यूशन का टेम्पलेट, आगे है आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, काफ़ी अच्छा है। थीसिस लाइन मतलब एग्जाम्पल जहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, जहाँ पर आप ध्यान रखना आपने 70-30 ही जाना है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बनाए हैं 3, हाँ 3 BP ही सबसे बेस्ट होते हैं। मुझे लगता है कि 3 BP ही सबसे बेस्ट वे है आपका एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज वाले को, और टू व्हाट एक्सटेंट जो एग्री और डिसएग्री वाले को करने का, यही सबसे ज़्यादा अच्छा वे है। पार्शली आप जा नहीं सकते, ठीक है, जा सकते हो, मतलब कि कुछ इंस्टीट्यूट का वे डिफरेंट होता है, कुछ का डिफरेंट होता है, बट मुझे लगता है कि 70-30 इज अ बेस्ट वे। आगे है आपका डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, इनमें भी इन्होंने, हाँ BP इन्होंने 2 बनाए हैं, पर इन्होंने अपना जो ओपिनियन है वो अपनी इंट्रोडक्शन में दे दिया। ये बच्चों को पता नहीं होगा, पता नहीं होता मतलब कि प्रॉब्लम आती है। आप राइटिंग के टाइम इसको यूज कर सकते हो अपने टीचर की, मतलब कि अपने ट्रेनर की परमिशन लेकर, क्योंकि जब आप इसको यूज करोगे तो 1 वीक में 2 वीक में आपको जो खुद से याद हो जाएगा कि हाँ मुझे लिखना कैसा है, और फिर आप इन लाइन से बदल के मतलब कि अपने आप खुद लाइन बनाने लगोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा। आगे देखो, आगे एग्री डिसएग्री का, इसको इसमें आपको क्या करना है और बताया है, जहाँ फिर आपको एग्री होना है, जहाँ फिर आपको डिसएग्री होना है, मतलब कि एक पॉइंट की और आपने जाना है 100%, दूसरे के बारे में हमने बात ही नहीं करनी। तो आगे है आपका दिस विल द वन स्टेटमेंट, तो ये भी 70-30 वाला है, ये भी इन्होंने बता दिया। तो लास्ट में है, मैं देखता हूँ, तो जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वो भी इन्होंने बताया है। जी काफ़ी टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं करवाते। उसके बाद आ जाता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें भी आपको 100% जाना होगा।
तो लास्ट में इनकी जनरल ट्रेनिंग के लिए भी बताया हुआ है। हाँ जी, मुझे नहीं पता था कि जनरल ट्रेनिंग के लिए भी है, तो जनरल वालों के लिए भी इन्होंने कुछ बताया हुआ है, बल्कि पेज तो एक है पर फिर भी उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये था आज का मटेरियल, उम्मीद करता हूँ कि ये पीडीएफ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पीडीएफ अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। जे आज मैं पहले कभी नहीं किया कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कभी नहीं कहा, पर आज जर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। काफ़ी तो बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, उनके स्पीकिंग में बैंड स्कोर आ जाते हैं, उनकी लिसनिंग रीडिंग हो जाती है, बट जर जो राइटिंग में 5.5 रह जाते हैं, जिनकी स्पीकिंग काफ़ी था मतलब कि सॉरी जिनकी राइटिंग सेव एंड प्लस वाली होती है, उनको 5.5 मिल रहे हैं। तो प्लीज़ जर उनके साथ शेयर करो ताकि आप उनके ड्रीम को भी पूरा कर सको और उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर टेलीग्राम के लिंक के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कि टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं कर रहा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आईएलएस प्लाजा, आपको स्पेलिंग ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम पर आकर। आपको एक मतलब की ग्रुप मिलेगा, एक मतलब की चैनल मिलेगा, तो जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो जहां पर ही आती है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।